हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो शाम का समय है और टाइम लगभग 5 बज चुका है। तो स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। और गर्मी की तो क्या कहने, कुछ कह नहीं सकते। ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ज़बरदस्त उमस हो रही है। शाम हो गई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी धूप है रही है, तो बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मेरी भांजी भूमि आई हुई हमारे वहाँ। तो भूमिका यहाँ मन लग रहा नहीं लग रहा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये हंस रही कैमरे के सामने। और अभी इसने ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल बाल बाल बना लिए हैं और मुंह धो लिया एकदम साफ करके, ताकि मम्मी देखे तो डांटे ना। हैं ऐसे गोल गोल कैसे काट रहे। तो फिलहाल तो हम खा रहे हैं तरबूजा। तो छोटा सा तरबूजा है, आधा तो इन लोगों ने खा लिया है दिन में ही। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो थोड़ा सा अभी इसका टेस्ट ले लेते हैं। आगे देखो तो कैसा हो रहा है, खट्टा हो रहा है, मीठा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठंडा तो नहीं हो रहा ज़्यादा। खाओ भी। तो तरबूजा कट चुका है और थोड़ा थोड़ा सभी को देंगे। और खाना मम्मी है, खाओ भी, उठाओ। टेस्टी है, बहुत मीठा हो रहा है। तो गर्मी में तो तरबूजा खाने का मजा ही कुछ और है, मजा आ जाता है एकदम। नानू को दिया? नानू को दिया? प्याज ने खा लिया ना? तो खा ली थी? अरे खा ले, और एक उठा ले। और इधर अब श्रीमती जी भी आ चुकी हैं। तो श्रीमती जी अभी काट रही हैं सब्जी, तो यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी होने लग गई है टाइम से ही। तो आज सब्जी बन रही है, तुराई तो दिख रही है, खाली तुराई तुराई की, आलू तुराई। तो आज सब्जी बनाई जा रही है आलू और तुराई की। तो यह है देसी तुराई, पहाड़ी तुराई नहीं है। पहाड़ी तुराई तो बड़ी मुश्किल से ही मिलती है यहाँ, देसी तुराई से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन ये भी अच्छी होती है, टेस्टी होती है। चलो भाई, तुम क्या कर रहे हो भूमि? इधर गर्मी नहीं लग रही है, हैं? और इधर बेचारा कोको गर्मी से परेशान है। तो ये हरी हरी धूप में सोया हुआ है, क्योंकि धूप नीचे से ठंडी हो रही होगी। क्या हो रहा है, गर्मी हो गई? मोटे गर्मी हो गई, सोए रहा। और इधर भूमि कर रही है रस्सा कूद। तो देखते हैं कितने रस्सा कूद कर पाती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 40, बस 40 में ही टाइट है फीस है। चलो बहुत है इतना। अभी तो थोड़ा हवा चलने लग गई है, दिन में तो एकदम बंद हो जाती है हवा। ऐसा लग रहा है रात को थोड़ा नॉर्मल रहेगा मौसम। फिलहाल तो हम इंजन से लगाने वाले हैं पानी, इसमें भी जिसमें बरसात का चारा बोना है, और इसमें भी जो चारा बोया हुआ है, क्योंकि एकदम सूखा सूखा हो गया, ये भी थोड़ा ऊपर को आ जाएगा पानी लगाने से। और इसमें तो हम सोच रहे थे पहले कि जब बरसात हो जाएगी तो उसके बाद इसमें चारा वारा बोएंगे, लेकिन बरसात के तो कोई आसार लग नहीं रहे हैं। और बरसात का अगर इंतज़ार करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये वाला चारा ठीक ठाक नहीं हुआ है। तो इस वजह से सोच रहे हैं कि वाला चारा जल्दी बो दें टाइम से ही। तो ये रहा पाइप, तो पाइप से पानी लगाएंगे हम, ताकि जल्दी हो जाए, पानी इधर उधर भागे ना। तो अभी प्रियांशु डाल रहा है पानी। चल कर दे स्टार्ट। 1, 2, 3 ये हो चुका है।
भूमि पानी तो पिलाते थे बाबू। ये वाली क्यारी में तो लगभग हो गया है और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ गई, क्योंकि एक कोना ट्रैक्टर से जुताई के समय ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर जहाँ पर घूमता है तो वहाँ पर पहियों से मिट्टी ऊंची हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी खींचनी पड़ गई, नहीं तो पानी लगने में अंधेरा ही हो जाता। तो ये तो भर चुकी है एकदम डम करके, और धीरे धीरे सूरज देवता भी अस्त हो रहे हैं। तो अभी काटते हैं यहाँ से, ये तो इसमें तो हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इधर पूरा भरा हुआ है, पूरी क्यारी डम हो गई है। उधर से ले क्या बाबू, यहाँ से ले क्या, भूमि पानी भी ले आई है, प्यास तो लगी गई है जबरदस्त वाली। शाबाश, लाओ है दोनों क्यारी में पानी फुल भर दिए एकदम, ताकि पानी एकदम गहराई तक चले जाए और जो चारा बोए वो बढ़िया से जम जाए और नमी रहे इसमें खूब। तो अब इसको सूखने में लगभग दो ही दिन लगेंगे, दो दिन में सूख जाएगा और तीसरे दिन ये बोने लायक हो जाएगा। तो ये फिलहाल तो हो चुकी है, पूरे में लग गए पट्टी में पानी, और अब रह गया है चारे वाला। तो ये स्पेशली हमने बरसातों का चारा बोने के लिए पट्टी बनाई है, थोड़ा ऊंचा करके इसको, बाकी खेत तो हमारा नीचा है, तो इसलिए थोड़ा इसमें पानी लगाने में दिक्कत भी होती है, टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो फिलहाल तो हो चुका है, और भूमि यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही है। भूमि चल तो बेटा, चलो क्या कर रहे हो, चलो 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 चलो। तो इसको भी यहाँ पानी से खेलने का मन कर रहा है, नहला दो इसी में हैं, चलो भी चलो चलो चलो, हो गया इंजन बंद करते हैं, अब इधर को लगाते हैं। यहाँ भी पानी भर गया लग रहा पूरा, तो पाइप खोल के फिर से मुंह घुमाते हैं इधर। पाइप का काम हो चुका है, लग गया पानी बढ़िया से, अभी दो एक दो दिन सुनो तो वहीं पर से खोल देते तो तुम्हें इतना वो नहीं करना पड़ता। कहाँ पर से, वहीं पर से मेड, अगर वहाँ से खोलूंगा वो पूरा मिट्टी इट्टी बह के नीचे जाएगी और नीचा हो जाएगा वो, तो इसी ऊंचा नीचा हो रहा है, इसको खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो मिनट तो लगने हैं बस, कीड़े मकोड़े भी काट रहे हैं, आजकल चीटियां ही आती है। भूमि नहाओगे आप इसमें? नहीं। क्यों? हैं? ठंडा पानी। तो घूम चुका है इसका मुंह, और अब फटाफट से इधर वाले चारे में लगा देते हैं, जो नीचे नीचे को जा रहा है दिन प्रतिदिन। लोगों का चारा ऊपर को आ रहा है, नीचे को जा रहा है, सही में यार। किसकी नजर लग गई, तुम्हारी नजर तो नहीं लग गई इसमें? YouTube वालों की है, YouTube वालों की नजर लग गई। YouTube वालों की नजर क्या लगती है? लगी है ना YouTube वालों की, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी नजर लगेगी। पिछले साल से कितना अच्छा जा रहा होता था, इसी साल हुआ ऐसा। तो यहाँ पर श्रीमती जी का कहना है कि YouTube वालों की नजर लग गई है, तो भैया जो भी नजर मार रहा है कृपया करके नजर ना मारे, हमारा चारा ऊपर को नहीं आ रहा, नहीं तो नजर उतारनी पड़ेगी। क्या क्या करते हैं, मिर्ची विर्ची जला के कहाँ फेंकते हैं चौराहे में, ऐसी करना पड़ेगा लग रहा है। तो अब चलाते हैं फिर से इंजन, मत करो कपड़े गंदे होंगे, आपको तो शौक लग रहा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मत करो। तो जब धान लगाने होंगे ना उस समय आना, धान लगवाएंगे तुमसे, फिर जाना कीचड़ में खूब।
तो इसमें भी लगभग पानी हो ही चुका है, पूरा भर चुकी है ये। तो अब इंजन कर देते हैं बंद, यहाँ तो ज़्यादा ही भर चुका है, पूरा तालाब ही बन चुका है, थोड़ा सा बीच में रह गया है। चलो 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 चलो, हो गया पानी, चलो 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 चलो, ले चलो इसको, पैर में लगेगी, पैर में लगेगी आराम से, यहाँ फावड़ा लगेगा, धार हो रही उसमें। तो ये हो चुका है, अब इसको भी पानी धो दे। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ, आज बहुत देर में आ रहे थे। तो ये आ चुका है यस्सु दूध लेने, देर में क्यों आ रहा बेटा आज? अच्छा भूमि थक गई? ना। बहुत मेहनत करी भूमि ने यार, जब तक मैं वहां था मेरे साथ ही थी भूमि, तो मेरा पूरा सहयोग किया भूमि ने पानी लगाने में, वेरी गुड, अच्छी लड़की है। और कैंडी को यहाँ क्या चाहिए पता नहीं, क्यों करा रहे हैं, आज खेलने नहीं जा रहा बेटा तू? ये लो बोतल, लगा दिया पानी, खुश है? खुश अब तो खुश, यहाँ भी टोंट मारोगी कि उसका चारा ऐसा हो रहा है, उसका चारा ऐसा हो रहा है, तुमने क्या चारा बोया ऐसा है? नहीं नहीं, एक एक करके, हाँ ऐसे लंबा करके बिछाओ। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ छत पे, क्योंकि हो चुका है मेरे योगा एक्सरसाइज का टाइम, और अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।